قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے حضرات درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ عید نبوی کا زمانہ نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ میرا مقصد کو پوری نعت پڑھنا نہیں کیونکہ میرے تو قبل بڑیاں خوبصورت نعتاں تسی سن چکے ہو مزید کسی نعت دی گنجائش نہیں میرے تو بعد بھی میرے مسلک دے عظیم سنا خان تشریف فرمانے انہاں کول بھی تسی نعت سنو گے میں تو صرف ایک دو مصرے پڑھ کے تواڈی تار اپنی تار نال جوڑنا چاہنا بس ساڈی تار آپس میں جڑ جائے جدو آپس میں جڑے گی پھر ساڈے سارے دی سر مدینے والے نال ہو جائے گی جدو مدینے والے نال سر ہو گئی پھر سمجھ لو محفل قبول ہے تو مل کے ایک دو شعر پڑھ لیجیے عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا نعرہ صلی علی کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا زمانہ زمانہ وجد میں سارا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ گیا اللہ رب العزت وحدہ
ला शरीक दी भी हद दो सना उसके प्यारे हबीब हबीबे किबरिया शबे असरा दे दूला बाए से अर्दो सना वालिये अरब आजम वालिये मदीना साहेब मातर पसीना सुरूर कल्बो सीना राहत कल्बो जान जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम दी बारगाह बेकसपना दे अंदर हदीया दुरूद व सलाम अर्ज करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम सना खाना ने शीरी लिसान वाजिबुल कदर बुजुर्गो अजीज साथियों काबिल कदर नौजवान भाइयों पानिया ने महफल मेहमाना ने गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी नूरानी महफिल पाक बसिलसिला जिक्र मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद फजीरे जिसके अंदर आकर नो हाजरी का शरफ हासिल हो रहा है। मेरी जमात के मुक्तदर उलमा सना खनान अज दी पाक बजम दी जीनत ने तुसी उन्हां दा दीदार कर रहे हो। मैनू गुनागार नो भी आप हजरात दी जियारत दा शरफ हासिल हो रहा है। मैनू मुहतरमुल मकाम इज्जत माब सरमाया अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान खतीब नुक्तादान महबूब आवाम वाइज खुश अलहान हजरत अल्लामा मौलाना कारी अली हसनैन कादरी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया खतीब आजम सियालकोट आपने हुक्म फरमाया मैं उन्होंने हुक्म की पासदारी करदे होया आप हजरात की जियारत वास्ते हाजिर हाँ। दुआए रब्बे कायनात अज दी पाक बजम दे अंदर मेरे जैसे गुनाहगार इंसान दा हाजिर होना आप जैसे शरीफ हजरात दा तशरीफ फरमा होना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर दरबार मुस्तफा अंदर कबूल फरमाए और वो हजरात मुबारकबाद मुस्तहिक ने जिन्होंने अज दी महफिल पाक दा इनेकाद एहतमाम किया मेरी मुराद चौधरी मुहम्मद अशरफ साहब मुहम्मद कमर साहब एडवोकेट साहब रहमान साहब जनाब अली साहब मोहम्मद आमिर दायम साहब हाजी ताजदीन साहब मोहम्मद मदद अली साहब जफर इकबाल साहब बिलाल रियाज साहब मोहम्मद शहबाज मोहम्मद बशीर बशीर साहब मोहम्मद उस्मान नूरी साहब मोहम्मद लियाकत अली अब्बास कादरी साहब और शेख मोहम्मद नवीद साहब हाफिज गुलाम रसूल कादरी साहब जेड़े हजरात भी मैनू हजरत साहब ने पेश किए मैं आप हजरात के सामने अनाउंस कर दिते दुआए रब्बे कायनात इन तमाम साथियों के कोशिश अंदर कावज अंदर अल्लाह करीम इन्ह के रिजक माल जान आबरू के अंदर बरकतां अता फरमाए। और दूसरा इतफाक लासानी साउंड वाले नाल आज जो ननकाना साहब तू तशरीफ लेके आए रब्बे कायनात इन्हां दे कारोबार दे अंदर मजीद अरूज अता फरमाए और तुसी जितने हजरात भी तशरीफ लेके आए हो रब्बे कायनात कदम कदम दे बदले तुहानू करोड़ां नियमतां नाल सरफराज फरमाए। अहले खाना दा इंतजामिया दा बानियाने माफल दा इंतजाम एहतमाम वेख के मेरा दिल एक कहन ते मजबूर है जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं वो अपने दिलों को मदीना बनाए बैठे हैं। मेरे कानों में चुपके से कह गया है कोई नजर से देखो महफिल में आए बैठे अल्लाह करीम तुहाडे इंतजाम और एहतमाम नु कबूल फरमाए। ग्रामी कदर हजरात लंबा चौड़ा बाज नहीं ना ही मैं खताबत वखाण वास्ते आया मेरे मसलक दे अजीम खुताबा आज दी पाक बजम दी जीनत ने मेरे तो बाद इंशाअल्लाह अपने वलवला अंगेज खिताबात नाल आप हजरात दिलों नु महजूज फरमानगे। और मैं मशकूरा मोहतरम उल मकाम जनाब किबला कारी अली हसनैन कादरी साहब उन्होंने वालिद मोहतरम जनाब मोहतरम मुहम्मद नजीर साहब सलामत रखे मैनू जदों भी उन्होंने जियारत आती दूसरा इतफाक है
रब्बे कायनात जानता है मैनू मेरे वालिद की सूरत मेरे सामने आ जाती है। अज की महफिल पाक का सदका मेरे वालिद मुहतरम समेत जिन्हें जिन्हों के वालिद दुनिया तो जा चुके हैं अल्लाह तमाम की मगफरत फरमाए। तुम्हें भी माँ प्यो बड़ा प्यारा है, मैनू भी वालिदैन नाल बड़ा प्यार है, तुहानू अपने वालिदैन नाल बड़ा प्यार है, हर किसी नू अपने अपने वालिदैन नाल बड़ा प्यार है। लेकिन असानू अहले सुन्नत व जमात नू एजाज हासिल है कि सानू अपने वालिदैन नाल ते प्यार है, लेकिन अपने ना वालिदैन नाल वध के कमली वाले मदीने वाले महबूब के वाले दे नाल बड़ा प्यार है। रब्बे कायनात ने फरमाया لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मोमन ते इज़ बअथ फीहिम रसूला के उन्हां विच अपना प्यारा ते लाडला रसूल भेज दिता है। एक बारी डट के सुभान अल्लाह आखो फिर से फरमाया अल्लाह दा एहसान है मोमन ते कि उन्ना दे विच अपना रसूल भेज दिता है। किदे विच भेजे है, किन्ना विच भेजे है, मोमना विच। उची बोलो मोमनो, किन्ना विच भेजे है, मोमना विच। एक गल मैं करां ते कोई ना मने, मेरे मसलक दे खतीब जनाब मुहतरम अल मकाम इज्जत माब भाई मोहम्मद फियाद अहमद तबस्सम साहब बड़ी सोहनी नकाबत फरमा रहे सन, बड़े खूबसूरत अंदाज नाल। अल्लाह ताला इन्हां दे इलम दे अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए, अल्लाह इन्हां दी नकाबत दे अंदर मजीद नखार पैदा फरमाए। बड़ी खूबसूरत नकाबत फरमा रहे सन, अगर ये गल करन ते ना मनो, मेरे मसलक दे अजीम खतीब अलामा कारी अली हसनैन कादरी साहब एक गल करन ते कोई ना मने, मेरे कोई आलिम आखे ते ना मनो, ओ गल ते मनो ना जेड़ी अल्लाह दे कुरान विच होवे मेरे नबी दे फरमान विच होवे। फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला। तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मोमना ते कि उन्ना दे विच अपना रसूल भेजिया है, यानी जिन्ना दे विच मेरे रसूल आए ने, जिन्ना दे विच मेरे आका आए ने, मैं नहीं आंदा कुरान आंदा है, ओ मोमिन ने। बोलोगे कि नहीं मेरे नाल फरान ते तुहानू फरान ते तां वास्ते बिठाया भी तुसी बोलना है ते मैं जागना है, जे तुसी चुप बैठे ते मैं सो जाना है, क्योंकि मैं सफर सियालकोट कीता ते अग्गे बूरे जाना है ते मैं विचकार ही ना किते रह जा। तुसी बोलो मेरे नाल उच्ची आखो सुभान अल्लाह। लाहौरी ते माशाल्लाह बड़े बेदार हैं, आंदे जी सियालकोट ये बड़े बेदार हैं क्योंकि बार्डर ते रहंदे ने, सियालकोट ये नालों लाहौरी ज्यादा बेदार हैं। इसी बेदार होके बैठो चंद एक मिनट, माशाल्लाह मैं चंद एक मिनट की हाजरी पेश करनी। अल्लाह अकबर। फरमाया एहसान है मोमन ते कि उन्ना दे विच अल्लाह ने अपना रसूल भेजिया है, जिन्ना दे विच आए ने ओ मोमिन ने, जिन्ना दे विच मेरे नबी तशरीफ लेके आए ने ओ मोमिन ने, जिन्ना दे विच अल्लाह दे लाडले रसूल तशरीफ लेके आए ने ओ मोमिन ने, जिन्ना दे विच आमना दे लाल तशरीफ लेके आए ने ओ मोमिन ने, जदों उन्ना दे आन नाल मैं ते तू मोमिना, जिस मां दी गोद विच आए ने मां मोमिन क्यों नहीं, जिस बाप दी पश्त विच आए ने बाप मोमिन। तवज्जो है, जिन्ना दे विच आए ने ओ मोमिन ने, ते जिन्ना दे विचों आए ने
तवज्जो है थोड़ी। मोमिन दो तरह के ने, तवज्जो है जी, मोमिन दो तरह के ने। एक मोमिन ओ ने जिन्होंने आके मेरे रसूल ने आप मोमिन किया है। अल्लाह फरमांदा रादी अल्लाह अनहुम वारा तू अनहो उन्नते मैं राजी हां ओ मेरे ते राजी ने इन्ना नू मेरी सरकार ने आप मोमिन किया है उन्ना ते अल्लाह एडा राजी है ते जिन्ना दे विचो मेरी सरकार आए ने उन्ना मोमिन दा जिक्र अल्लाह ने कुरान विच किया है उन्ना दा जिक्र अल्लाह ने कुरान विच किया है जिन्ना दे विच आए ने उन्ना दी शान की है तवज्जो है जेड़े एक कलमा पढ़न वाले ने जेड़े मोमिन ने जे इन्ना नू कोई आखे बेईमान है मोमिन बन गए ईमान की दौलत मिल गई ते जे इन्ना नू कोई आखे बेईमान लोकी मारन वास्ते जान लैन वास्ते तुल जांदे ने एक ए मोमिन ने जिन्होंने वेखन तो बगैर कलमा पढ़िया है एक ओ मोमिन ने जिन्होंने बदोहा दा चेहरा वेख वेख के कलमा पढ़िया है उन्होंने मेरी सरकार ने आके मोमिन किया है जिन्होंने आके मोमिन किया है मेरी सरकार ने फरमाया ला तमसुनारो मुस्लिमान रानी और आ मन कदरानी फरमाया जिन्होंने मोमिन किया है जहन्नम दी आग उन्हां दे करीब जा नहीं सकदी जिन्होंने अल्लाह ने मोमिन आख्या है वह जहन्नम दे करीब किस तरह तवज्जो है जिन्ना नू मेरी सरकार ने आप मोमिन किया है। मैं एक जुमला होर तिरमिज़ी शरीफ च पढ़ना चाहना अलामा अली हसन कादरी साहब की दुआवां लेना चाहना दीगर उलमा जितने भी स्टेज पे तशरीफ फरमा ने बस सब दी दुआवां दा मैं मुस्तहिक भी हाँ और मोहताज भी हाँ उम्मीद भी है कि सब दुआ नाल नवाजनगे जनाब भाई मोहम्मद फियाज अहमद तबसम साहेब जिन्ना नू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन कीता है उन्ना नू आंदे ने सहाबा किराम बोलो जिन्ना नू मेरी सरकार ने आके मोमिन कीता है उन्ना नू आंदे ने सहाबाए किराम दे मुतल्लिक तिर्मिज़ी उठा लाए निसाई उठा लाए मुस्लिम उठा लाए बुखारी उठा लाए मिश्कात उठा लाए कोई भी हदीस की किताब उठा मेरी सरकार ने फरमाया जेड़ा तुहाडे सामने मेरे सहाबा नू पूरा भला आखे ओदे ते अल्लाह दी वी लानत है मखलूक दी वी लानत है फरिश्तिया दी वी लानत है जिन्ना नू मेरी सरकार ने आप मुसलमान कीता है मोमिन कीता है ओना दे मुतल्लिक जुबान खोले ओ खुदा दा दी वी लानत दा मुस्तहिक खुदाई दी लानत दा वी मुस्तहिक है जेड़े मेरी सरकार दे वाले दैन ने जिन्ना नू अल्लाह ने मोमिन आखिया है जेड़ा ओना दे ईमान ते शक करे ओ वड्डा लानती है इस दुनिया ते तवज्जो है तुहाडी ओ वड्डा लानती है इस दुनिया ते जेड़ा ओना दे ईमान ते शक करे जिन्नू ओना नू अल्लाह ने कुरान च मोमिन आखिया लकद मनल्लाहु अलल मोमिनीन इज बअथ फीहिम रसूला एहसान है अल्लाह दा मोमिन ते के ओना दे विचों ओना दे विच एहसान है अल्लाह दा मोमिन ते के ओना दे विचों ओना दे विच रसूल भेजया है मोमिन नहीं आखिया मोमिनीन आखिया है मोमिनीन जमा दसी गए ए दसदा है पिया जिन्ना दे विच आए ने ओ भी मोमिन ने जिस मां प्यो दी औलाद बन के आए ने ओ भी मोमिन ने अल्लाह अल्लाह ए
مومن نے وہ بھی مومن نے توجہ ہے میں ایک نسبتی گل کرنا چاہنا صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں او جگہ جس جگہ ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم در روضہ انور بنے ہیں او جگہ کعبہ نالو بھی افضل ہے عرش اعظم نالو بھی افضل ہے تسی چاس نہیں دے رہے گلا میرا متاثر ہے میں بھائی ساؤنڈ آپریٹر صاحب انہوں نے میں گزارش کی تھی کہ اللہ اور رسول تو بات تواڈے سہارے دے نال جے تواڈا سہارا ہی تھوڑا کہ لگ گیا تے بیڑا پار ہو جانا توجہ ہے جی صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او جگہ جس جگہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ انور بنیا ہے او جگہ کعبے نالوں بھی افضل ہے عرش اعظم نالوں بھی اچھی بولو کعبے نالوں بھی افضل ہے عرش اعظم نالوں بھی افضل ہے اس جگہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے بوسے لینے بوسے اس جگہ دی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود نالے سرکار دے جسم نالے سرکار دے جسم دی نسبت دی برکت تو او جگہ کعبے نالوں بھی افضل ہے عرش اعظم نالوں بھی افضل ہے میں اے بات عرض کرنا چاہنا اس جگہ دی میری سرکار دے جسم نال نسبت ضرور ہے لیکن میری سرکار جسم دا حصہ نہیں اس جگہ دی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مسعود نال ہے لیکن سرکار دے جسم دا حصہ کچھ بولو سرکار دے جسم دا حصہ نہیں سرکار دے جسم نال نسبت ہو گئی ہے نسبت دی وجہ تو او مٹی کعبے نالو بھی اعلی ہے عرش اعظم نالو بھی اعلی ہے اگر مٹی اعلی ہے پھر ابو بکر دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے عمر دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے عثمان دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے علی دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے حسین مننی وانا من الحسین دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے لحموں کا لحموں جسموں کا جسمی علی دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے فاطمہ تو پیدا تو مننی فاطمہ دا کی مقام ہے اگر مٹی اعلی ہے سیدہ آمنہ دا کی مقام ہے اللہ اکبر پھر سیدہ آمنہ دا کی مقام ہے میں پھر توجہ چاہوں گا پھر توجہ چاہوں گا او مٹی جس مٹی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش وچ لیا ہے او مٹی جس مٹی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی آغوش وچ لیا ہے او مٹی کعبے نالوں بھی افضل ہے عرش اعظم نالوں بھی جے تسی بولو تے میں جملہ عرض کرنا چاہنا مانا جس مٹی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی آغوش وچ لیا ہے او مٹی کعبے نالوں بھی افضل ہے عرش اعظم نالوں بھی افضل ہے اگر مٹی میری سرکار دے جسم نو اپنی آغوش وچ لے اس دا مقام کعبے نالوں بھی اعلی عرش اعظم نالوں بھی اعلی جس مان نو مہینے میری سرکار نو اپنے شکم دی بکل وچ رکھے آئے اس ماں دا کی مقام اس ماں دا کی مقام ہے اس ماں دا کی مقام ہے جس ماں نے نو مہینے میری سرکار نے اپنی شکم وچ رکھے میں پھر ایتھے آنا چاہنا میں پھر واپس آنا چاہنا او مٹی کعبے نالوں بھی اعلی عرش اعظم نالوں بھی اعلی کیوں علامہ خفاجی فرماندے نے پتہ کی ہے او مٹی جدی نسبت سرکار دے جسم نال ہے اللہ جس پیار نال اس مٹی وال ویکھدا ہے اس پیار نال کعبے وال بھی نہیں ویکھدا عرش اعظم وال بھی نہیں ویکھدا
मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, किसे भी जाके अलामे दे सामने रख। हजरात निस्बत दी गल कर रहे हैं, माना जेड़ी मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म नाल निस्बत हो जाए, अल्लाह इतने प्यार नाल वेखदा है, क्योंकि उस मट्टी ने सरकार दे जिस्म दे पोसे लेने, पोसे जेड़ी मट्टी। तवज्जो हजरात, में हाथ बांध के अर्ज पिया करना, तवज्जो मेरे वाल किबला, तवज्जो जेड़ी मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म दे पोसे ले, अलामा खफाजी दे बकौल ओ मट्टी काबे नालों भी आला है, अरशे आजम नालों भी आला है। अल्लाह जिस प्यार नाल उस मट्टी वाल वेखदा है, काबे वाल भी नहीं वेखदा, अरशे आजम वाल भी नहीं वेखदा। जुमला दोहराना चाहना, अल्लाह करे मेरे नाल मिल जाओ, जेड़ी मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म नू चुमे, अल्लाह इतने प्यार नाल वेखदा है, सैयद आमना सुबह ते शाम जदों मेरी सरकार नू चुमदी आण गया, अल्लाह किन्ने प्यार नाल वेखदा है। अल्लाह अकबर। ये बाबा निस्बत की गल है, असी अहले निस्बत हैं, असी हर उस शायद एहतराम करना जिदी निस्बत मेरी सरकार नाल है। उची बोल सुभान अल्लाह। हर उस शायद एहतराम करने जिदी निस्बत मेरी सरकार नाल है। असी आने जिस साल विच मेरे आका आए, उस साल जिया साल नहीं, जिस महीने विच मेरे आका आए उस महीने जिया महीना नहीं, जिस मट्टी दे विच मेरे आका आराम फरमा रहे ने उस मट्टी जई मट्टी नहीं। मैं कहना है चाहना, मेरे नबी दे शहर जिया किसे दा शहर नहीं, मेरे नबी दे मदीने जिया किसे दा मदीना नहीं, मेरे नबी दे अबू बकर जिया किसे दा अबू बकर नहीं, मेरे आका दे उमर जिया किसे दा उमर नहीं, मेरे आका दे उस्मान जिया किसे दा उस्मान नहीं, मेरे आका दे अली जिया किसे दा अली नहीं, मेरे आका दे दाता वर्गा किसे दा दाता नहीं, मेरे आका दे खाजा वर्गा किसे दा खाजा नहीं, मेरे आका दे दाता अली वर्गा किसे दा दाता अली नहीं, मेरे आका दे मेरे अली जिया किसे दा मेरे अली नहीं, मेरे आका दे जमात अली जिया किसे दा जमात अली नहीं, मेरे आका जी उम्मत दे वली जिया किसे दा वली नहीं। कौंतम खैरा उम्मत नौखरियत लिन्नास, मेरे आका जी उम्मत जी किसे दी उम्मत नहीं, मेरे नबी दी मां वर्गी किसे दी मां। तवज्जो है, हाय साडा कीदा है ओदे रोजे जई था कोई ना, ओदे रोजे जई था कोई ना, ओ सोने जिया पोते कोई ना, ओ सोने जिया पोते कोई ना, ओदी मां जई मां कोई ना, सोने जिया पोते कोई ना, ओदी मां जई मां कोई ना, सोने जिया पुत कोई ना, ओदी मां जई भी मां कोई ना। मेरे बेटे का नूर जदों मेरे शिकम में आया, उची आखो सुभान अल्लाह, जदों मेरे शिकम में आया, फरमांदियां ने हर महीने नबी आके मैनू बशारता देते रहे, आमना तेनू मुबारक होवे, तेरे शिकम के अंदर जिहड़ा बच्चा है आम बच्चा नहीं, नबियां का सरदार बन के आ रहा है। बस मैं इतनी एक दो पॉइंट दे के मैं गुफ्तगू क्लोज करना चाहवागा। आप फरमाते फिर वह वेला करीब आया जिन्हों विलादत का वेला आख्या जाता है। फरमाते मैं अपने हुजरे के अंदर हाँ, चार बीबियां मेरे कमरे च आ गई,
सुनियो बोलना बड़ी मेहरबानी, मेरे को नहीं बोलिया जा रहा लेकिन तुसी बोलना है। एक बार सुभान अल्लाह आखिए तो 90 नेकियां मिलदियां, 90 गुनाह माफ होते, 90 दर्जे बुलंद होते। जोर मेरा लगना है, पसीना मेरा निकलना है, कम अज कम खाली हाथ ना जाओ, नेकियां दियां बोरियां भर के लै जाओ सरकार दे जिक्र दी महफिल विच। हजरत सैयद आमना ने फरमाया बीबी ओ कित्थों आया जे, इस तू पहले तुहानू कदी वेख्या नहीं, केड़ी बस्ती विचों आया जे, तुहाडा नां की है, तारुफ की है। उन्होंने अपना तारुफ कराया, एक बोल के आनी है आमना, सानू वेख के परेशान नहीं होना, सानू वेख के डरना नहीं, आमना सुन ले एक दा नाम हवा है, एक दा नाम आसिया है, एक दा नाम हाजरा है, एक दा नाम ईसा दी मां मरियम है। नी बीबी ओ कित्थों आईया जे, उस बस्ती दा नाम की है, चारों बीबियां बोल के आंदियां ने नी आमना, असी दुनिया दी बस्ती विचों नहीं आईया, दुनिया दे किसे इलाके विचों नहीं आईया, दुनिया दे किसे पिंड विचों नहीं आईया। बीबी ओ कित्थों आईया जे, चारों बीबियां बोल के आंदियां ने आमना, असी जन्नत विचों आईया वा, अपनी मर्जी नाल नहीं, रब ने सानू भेजिया है, तेरे लाल दिया ताइया बना के गलिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया। अल्लाह अकबर, असी तेरे लाल दियां ताइयां बन के आए हैं, ते तेरियां गुलामा बन के आए हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो है हजरत, अग्गे सुनो। सैयद आमना फरमांदी ने, जब मेरे बेटे दी विलादत हुई, आम बच्चियां दी तरह नहीं, जिमें बच्चे रोंदे ते कुरलांदे पैदा होंदे, इस तरह नहीं। फिर सैयदा की पैदा होया है, हजरत सैयदा आमना फरमांदियां ने, दुनियादार दे बच्चियां दी तरह मेरे बच्चे दी विलादत नहीं। बीबी सैयदा ए फरमाओ फिर की पैदा होया है, सैयदा आमना फरमांदियां ने, खारजा मिन्नी ने, मेरे विचों नूर खारिज होया, मेरे विचों उच्ची बोलो ना, मेरे विचों उच्ची, पिछले सारे हजरात पिछले भी बोलो, मेरे विचों जिन्हों सरकार दी नूरानियत ते शक नहीं, उच्ची बोलो, मेरे विचों नूर खारिज होया। अच्छा फिर की होया, परमानंद जदों मेरे विचों नूर खारिज होया, मेरे बेटे दा नूर फिर चमकया, इस नूर दी रोशनी इतनी फैली, इतनी फैली, एदी रोशनी दे अंदर मैं मक्के विच बह के शाम दे महल्लात नूं चमकदियां वेख्या, चमकदियां वेख्या। अच्छा जिहड़ा पैदा होया है ओह नूर है, मां दे मुतलक फिर शक है ईमान वाली नूं, जिहड़ा पैदा होया है ओह नूर है, जिदे विचों है, जिदी विलादत होई है ओ नूर है, ते जिन्ने जमे है ओदी मां ने फिर तो डम डोल, हाय हाय हाय, नूर है कि नूर है। मैं तो कोई कुरान दी आयत नहीं पढ़ना चाहता, कोई कुरान दी आयत पढ़ांगा तो उन्होंने कहना जी तर्जमा गलत है, कोई हदीस पढ़ांगा तो उन्होंने कहना जी ज़ईफ है। मैं गल ही वो करनी जिहड़ी हर बंदा मन्नेगा, मन्नेगा नहीं तो कम अज कम सोचने मजबूर हो जाएगा।
उमरा शरीफ करने वाले जिन्हें बंदे मदीना पाक जाते हैं मक्का शरीफ जाते हज करने वाले अल्लाह ताला उन्होंने सफर को कबूल फरमाए और उन्होंने सदके अल्लाह सानू सारे ने अपने घर दी अपने प्यारे हबीब दीदार दी ज़ियारत नसीब फरमाए जेड़ा हाथ चाह के बोले माफल दे अल्लाह करे इसे साल बदी ने जाए मुबारक तवज्जो है जी आंदन जो उस पहाड़ दा नाम जबले नूर मैं ना मौलवी जी पहाड़ चांदी बोलदा मेरी सुती कौम अल्लाह जाग जाए पहाड़ सुन वो इहदे विच हीरे ते जवाहरात निकलदे आंदा नहीं नूर है मैं क्यों आंदा सरकार बह के ते उठ 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 सरकार बह के उची बोलो बाय के उठ गए बाकी तो फिर हजूर दे बहन दी वजह तू निस्बत दी वजह तू वो पहाड़ नूर है मैं ना बड़ी गल है नूर मनन ते आए ते पत्थर नु बन जाना इनकार करे ते नबी दे नूर दा इनकार है अकचारिया या अली या गौसे आज़म वालदेने मुस्तफा हजरत जी वकार तवज्जो करो जड़ा भी पहाड़ वेखे आंदे आंदे जबले नूरे कोई वहाबी होवे अहले तशी होवे अहले हदीस होवे देवबंदी होवे सुन्नी होवे किसी भी मकात में फिकर नाल ताल्लुक रखने वाला होवे आंदे जबले नूरे पहाड़ नूरे ओ सुन्नी ते मनदे भी ने हजूर दी हर निस्बत दा एहतराम करदे ने मैं दूजियां दी गल पिया करना जेड़े सरकार नू नूर नहीं मनदे ओ आके बड़े फखर नाल आंदे ने ओ पहाड़ नूरे जबले नूरे पहाड़ नूरे मैं ना मौलवी जी ओ पहाड़ क्यों नूरे अंदर नबी बह के उठ गए ने सरकार दी वजह तू पहाड़ नूरे मैं तेनु यही दसना चाहना जिस पहाड़ दे नबी बह के उठ जाए ओ पहाड़ नूरे जिस मां दे शिकम च मेरे आका 9 महीने रहने उस मां दा शिकम वी नूरे चार सहाबा जिन्हें खुलाफाए राशिदीन आख्या जाता है जिन्हें हक चार यार आख्या जाता है की आख्या जाता है उच्ची बोलो हक चार यार आख्या जाता है अजमत दे बड़े ठेकेदार जुन्नू रैन दो नूरा वाला जुन्नू रैन दो नूरा वाला मैं ना मौलवी क्यों आंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया यके बाद दो बेटियां इन्ना दे घर विच आईयां हजूर दी दो बेटियां दी निस्बत दी वजह तो ए दो नूरा वाला जुन्नू रैन मखा मर जाए जेड़ा गुलाम है ओनू जुन्नू रैन आना है ते जेड़ा आका है ओदे नूर दा इनकार करना है अल्लाह अकबर तवज्जो है जी ये सारा मेरा कसम अल्लाह की निस्बत का फैज़ है
जे पहाड़ दी निस्बत हो जाए पहाड़ नूर हुण बोल मेरे नाल बड़ी मेहरबानी पहाड़ दी निस्बत हो जाए पहाड़ नूर आल दी निस्बत हो जाए आल नूर असहाब दी निस्बत हो जाए असहाब नूर अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिस बाप दी निस्बत हो जाए बाप नूर जिस मां दी निस्बत हो जाए ताई ते मेरे आला हजरत ने कलम चुके है आप फरमाते ने तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू कराना नूर का तू है ने नूर तेरा सब कराना नूर का अल्लाह परमात्मा ने मेरे बेटे का नूर चमकया हर तरफ रोशनी फैल गई हर तरफ उच्च बोलना हर तरफ रोशनी फैल गई उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबे दा तवाफ कर रहे थे खाने काबे दा बोलो तवाफ कौन करता है तवाफ कौन करता है तो जेड़ा बेईमान होवे मुसलमान ना होवे जिन्ने कलमा ना पढ़िया होवे अल्लाह फरमांदा है कुरान है इन्नमल मुशरिकूना नजस मस्जिद के करीब नहीं जा सकता मुशरिक अल्लाह के घर के करीब नहीं जा सकता मुशरिक खाने काबे के करीब नहीं जा सकता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे दा खाने काबे दा तवाफ करना इस बात की दलील है मेरी सरकार दा दादा पुत्तां दी पूजा करन वाला नहीं सी एक अल्लाह दी पूजा करन वाला है खाने काबे दा तवाफ कर रहे कनीज गई पैगाम भेजा हजूर घर आओ अल्लाह ने बेटा था कि बस आई दो बातें मैं सुना के इजाजत चाहना बेटा था कि हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने जल्दी जल्दी घर आए घर आए फरमाया आमना जी बाबा तेरा की हाल है तेरा की हाल है बाबा मैं ठीक हूं ते जेड़ा बच्चा है हजरत सैयद आमना फरमाते ने गोली दला का मौलूद अजीब मेरे बाबा जी जिस बच्चे की विलादत हुई जेड़ा बेटा आया है जेड़ा मेरा बेटा बन के आया है तुहाडा पोतरा बन के आया है सारी सरदार बन के आया है आम बच्चियां दी तरह नहीं अजीब शाना लेके आया आम बच्चियां दी तरह नहीं अजीब शाना लेके आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अच्छा मनु भी दसो की वाकियात रोनमा हुए ने विलादत दे टाइम शिफा ने पूछा तू की वेख्या आंदी हजूर मैं उस वक्त थले थले वेखदी पई सी आए आप फरमान ने जदों सैयद आमना दा नूर चमकया मैं वेखदी पई सां सच्चे खब्बे अगे पिछे जिथे जिथे मेरी नजर जांदी है हर शै मैनू एथे नजर आंदी है
सरकार दा नूर ही ना चमके हर पासे रोशनी फैल गई। नूर असली चमके आ गायब अंधेरा हो गया। नूर असली चमके आ गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया था था सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया हर था सवेरा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह फरमाया शिफा ये तो तू वेखे फातिमा तू की वेखे। हजरत सैयदा फातिमा फरमाती ने बाबा सुनो जदों सैयदा आमना दा नूर चमके आए मैं आसमान वल पवेनी आ आसमान दे सितारे थल्ले थल्ले लगे आउंदे ने जदों थल्ले आए और थल्ले आए और मेरे करीब आए मैं डर गई मेरे दिल विच खौफ दा हक होया। इस आसमान तू सितारे डिग गिर के टुट टुट के मेरे ते गिर जाणगे मैं डर गई जदों आमना दा नूर चमके आए ए सितारे वापस चले गए मैं समझ गई ए सितारे मेरे ते टिकण वास्ते नहीं आए। मोहम्मद दे नूर तो नूर दी खैरात लैण वास्ते आए। मेरे तो डिगन नहीं आए ये थे मोहम्मद नूर तो नूर दी खैरात लैन वास्ते आए। दादे ने शाना सुनिया फरमाया हुन देर ना करो मेरा पोतरा मैनू जल्दी जल्दी वखाओ मेरा पोतरा मैनू जल्दी जल्दी वखाओ। सैयद आमना ने फरमाया शिफा जी बीबी फरमाया पोतरे नू उठा दादे दी गोद च रख। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादे दी गोद च आए तवज्जो है दादे दी गोद च आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली पहली बारी अपने पोतरे ने देखया किंज देखया चेहरे ते निकाब सी दादे ने निकाब उल्टया मेरी सरकार दा हुस्न और जमाल देखया कितने सोहने हो कितने हसीन हो कितने जमील होने गए कितने खूबसूरत होने गए। ये मंजर लफ्जों च बयान करना बड़ा मुश्किल है। इस मंजर नूं बयान करन वास्ते पीर मेहरे अली शाह साहब दा सहारा लेना इंतहाई जरूरी है। उचिया को सुभान अल्लाह जदों दादे ने पोतर नूं वेख्या होएगा बकौल बाबा मेहरे अली शाह साहब फरमाया होएगा मुख चल बदर शानी बस एक शेर पढ़ना तो मैं इजाजत ले लेनी लेकिन तुम मेरे मिल के पढ़ना है। कोई वडेरा है बाबा है ना पढ़े कोई गल नहीं ते जेड़ा कोई बीमार है अल्लाह नु सेहत अता करे ते जिदे वास्ते साह खड़ना ही बड़ा मुश्किल है उन्होंने साह चढ़ जाता साह औखा हो जाता खंग लग पैंदी ओदी भी मजबूरी ना पड़े ते जेड़ा गुंगा ओदी मेडिकल मजबूरी हो ना पड़े जेड़ा घर वाले नाल वादा करके आए फिक्र ना कर चलना ते है मैं बोलांगा नहीं ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤਰੇਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੜਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 1 ਵਜੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੋ ਸਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਖ ਚੱਲ ਬਦਰ ਸ਼ਾਨੀਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੁਖ ਚੱਲ ਬਦਰ ਸ਼ਾਨੀਏ
मथे चमक दी लाट नूरानी मथे चमक दी लाट नूरानी जी मथे चमक दी लाट मथे चमक दी लाट नूरानी ये मथे चमक दी लाट नूरानी थक गए हाथ ले क्यों कर ले जे बुलंद करके पढ़ो मथे चमक दी लाट नूरानी मजा भी लेना है इनू महसूस भी करना है ते फिर पढ़ना है ते सुनना है मजा लेके मजा आ जाएगा मथे चमक दी लाट नूरानी काली जुल्फ ते आखे मस्तानी जी काली जुल्फ ते आखे मस्तानी काली जुल्फ ते आखे मस्तानी तेरे बाबे मेरे रिशा साहब का कलाम ही नहीं इन्ना कुलंकर इन्ना जुल्फा दा जिक्र रब्बे कायनात ने फरमाया फरमाया वल्लही जदों चेहरे दीवारी आई फरमाया बद्दुहा जदों जुल्फा दा जिक्र आया फरमाया वल्लही इदा सजा जदों अखां दी वारी आई फरमाया माज़ा गल बसारो बमा तगा मथे चमक दी लाट नूरानी काली जुल्फ ते आके मस्तानी मिलके पढ़ो काली जुल्फ ते आके मस्तानी मखबूरे अकील मद परिया जी मखबूरे अकील मद परिया मखबूरे अकील मदे परियों मखबूरे अकील मद परिया जी इस सूरत नू मैं जाना खां इस सूरत नू मैं जाना खां के जान जाना खां सच आखां ते रब दी शाना खां हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों पोतरे नूं वेख्या अल्लाह दा शुक्र अदा कीता पोतरे नूं चुक्किया कलेजे नाल लाया अर्ज़ कर दिंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आतानी अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनूं मुहम्मद अता कीता अल्लाह दा शुक्र कौन अदा करदा है जरा मुसलमान होवे मोमिन होवे अल्लाह दा अल्लाह दी नेमत दे मिलां ते अल्लाह दा शुक्र अदा करदा है की अर्ज कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आतानी अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनूं मुहम्मद अता कीता है अगों पता की आंदे ने बादशाह दा फिल महदे अलल गिलमानी मौला जड़ा तू पुत्र अता कीता है ये मैनूं आम बच्चा नहीं पंगूड़े विच लेटण वाले सारे बच्चों का सरदार नजर आता है मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह फरमा फरमा के हजे चुप भी ना हुए होंगे मेरा अकीदा है सिदरत जिब्रील बोले होंगे ते फरमाया होएगा अब्दुल मुत्तलिब जी तू अपनियां अखां नाल वेखिया है तानू सारे बच्चों का सरदार नजर आता है जे कदी जिब्रील दी नजर नाल वेखो जे मैनू पुछो ए सारे बच्चों का नहीं सारे नबियों का सरदार नजर आता है वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे वो
वो नबियों में नबी से इमामुल अंबिया वो नबियों में नबी से इमामुल अंबिया ठहरे हसीनों में हसीने से के महबूबे खुदा ठहरे। अपने कदम बैठ के लब कुशाई का मौका ता किया अल्लाह मेरे मसलक दे उलमाओ सुना खाना और नकीबे माफल साहब अल्लाह इन्हें कारोबार अंदर रिजक अंदर उम्र दे अंदर इलम दे अंदर अमल दे अंदर हिलम दे अंदर अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए और उस तो बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद लसानी वाले दा मशकूरा जिन्होंने फुल मेरे नाल तावण कीता मेरा साथ दिता अल्लाह करीम इन्हां दे कारोबार दे अंदर मजीद अरूज अता फरमाए जितने हजरात तशरीफ लाए गए हो कदम कदम दे बदले करोड़ हाथ उत्ते नाल सरफराज फरमाए वमा अलैया इल्ला बलाग अस्सलाम अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अरशे आजम नालो भी आला है अगर मट्टी आला है फिर अबू बकर दा की मकाम है अगर मट्टी आला है उमर दा की मकाम है अगर मट्टी आला है उस्मान दा की मकाम है अगर मट्टी आला है अली दा की मकाम है अगर मट्टी आला है हुसैन मिन्नी वाना बिनल हुसैन दा की मकाम है अगर मट्टी आला है लहमो का लहमो जिस्मो का जिस्मी अली दा की मकाम है अगर मट्टी आला है फातिमा तो पिता तो मिन्नी फातिमा दा की मकाम है अगर मट्टी आला है सैयदा आमना दा की मकाम है। अल्लाह अकबर फिर सैयदा आमना दा की मकाम है। मैं फिर तवज्जो चाहवांगा फिर तवज्जो चाहवांगा ओ मट्टी जिस मट्टी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आगोश विच लिया ओ मट्टी जिस मट्टी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपनी आगोश विच लिया है ओ मट्टी काबे नालो भी अफजल है अरशे आजम नालो भी जे तुसी बोलो ते मैं जुमला अर्ज करना चाहना माना जिस मट्टी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपनी आगोश विच लिया है ओ मट्टी काबे नालो भी अफजल है अरशे आजम नालो भी अफजल है। अगर मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म नु अपनी आगोश विच ले उस दा मकाम काबे नालो भी आला अरशे आजम नालो भी आला जिस मान नौ महीने मेरी सरकार नु अपने शिकम दी बुक्कल विच रखे आए उस मां दा की मकाम। उस मां दा की मकाम है उस मां दा की मकाम है जिस मां ने नौ महीने मेरी सरकार ने अपनी शिकम विच रखे। मैं फिर इत्थे आना चाहना मैं फिर वापस आना चाहना ओ मट्टी काबे नाल वी आ मिला अरशे आजम नाल वी आ मिला क्यों अलामा खफाजी फरमांदे ने पता की है ओ मट्टी जिदी निस्बत सरकार दे जिस्म नाल है अल्लाह जिस प्यार नाल उस मट्टी वल वेखदा है उस प्यार नाल काबे वल भी नहीं वेखदा अरशे आजम वल भी नहीं वेखदा। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है किसी भी जाके अलामे दे सामने रख हजरात निस्बत दी गल कर रहे हैं माना जेड़ी मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म नाल निस्बत हो जाए अल्लाह इतने प्यार नाल वेखदा है क्योंकि उस मट्टी ने सरकार दे जिस्म दे पोसे लेने पोसे जेड़ी मट्टी तवज्जो हजरात में हाथ बांध के अर्ज पिया करना तवज्जो मेरे वाल किबला तवज्जो जेड़ी मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म दे पोसे ले अलामा खफाजी दे बकौल ओ मट्टी काबे नालों भी आला है अरशे आजम नालों भी
आला है अल्लाह जिस प्यार नाल उस मट्टी वाल वेखदा है काबे वाल भी नहीं वेखदा अर्शे आजम वाल भी नहीं वेखदा जुमला दोहराना चाहना अल्लाह करे मेरे नाल मिल जाओ जेड़ी मट्टी मेरी सरकार दे जिस्म नू चुमे अल्लाह इतने प्यार नाल वेखदा है सैयद आमना सुबह ते शाम जदों मेरी सरकार नू चुमदी आणगी अल्लाह किन्ने प्यार नाल वेखदा है अल्लाह अकबर ये बाबा निस्बत की गल है असी अहले निस्बत असी हर उस शायद एहतराम करना जिदी निस्बत मेरी सरकार नाल उच्ची बोल सुभान अल्लाह हर उस शायद एहतराम करने जिदी निस्बत मेरी सरकार नाल असी आने जिस साल विच मेरे आका आए उस साल जिया साल नहीं जिस महीने विच मेरे आका आए उस महीने जिया महीना नहीं जिस मट्टी दे विच मेरे आका आराम फरमा रहे ने उस मट्टी जई मट्टी नहीं मैं कहना है चाहना मेरे नबी दे शहर जिया किसे दा शहर नहीं मेरे नबी दे मदीने जिया किसे दा मदीना नहीं मेरे नबी दे अबू बकर जिया किसे दा अबू बकर नहीं मेरे आका दे उमर जिया किसे दा उमर नहीं मेरे आका दे उस्मान जिया किसे दा उस्मान नहीं मेरे आका दे अली जिया किसे दा अली नहीं मेरे आका दे दाता वर्गा किसे दा दाता नहीं मेरे आका दे खाजा वर्गा किसे दा खाजा नहीं मेरे आका दे दाता अली वर्गा किसे दा दाता अली नहीं मेरे आका दे मेहरे अली जिया किसे दा मेहरे अली नहीं मेरे आका दे जमाते अली जिया किसे दा जमाते अली नहीं मेरे आका जी उम्मत दे बली जिया किसे दा बली नहीं कौंतम खैरा उम्मत दी नौकरियत लिनास मेरे आका जी उम्मत जी किसे दी उम्मत नहीं मेरे नबी दी मां वर्गी किसे दी मां तवज्जो है हाय साडा किदा है ओदे रोजे जई था कोई ना ओदे रोजे जई था कोई ना ओ सोने जिया पोते कोई ना ओ सोने जिया पुत कोई ना ओदी मां जई मां कोई ना सोने जिया पुत कोई ना ओदी मां जई मां कोई ना सोने जिया पुत कोई ना ओदी मां जई भी मां कोई ना मेरे बेटे दा नूर जदों मेरे शिकम च आया उच्चिया को सुभान अल्लाह जदों मेरे शिकम च आया फरमांदियां ने हर महीने नबी आके मैनू बशारता दिंदे रहे आमना तेनू मुबारक होवे तेरे शिकम दे अंदर जिहड़ा बच्चा है आम बच्चा नहीं नबियां दा सरदार बन के आ रहा है बस मैं इतनी एक दो पॉइंट दे के मैं गुफ्तगू क्लोज करना चाहवांगा आप फरमांदे ने फिर वह वेला करीब आया जिन्हों विलादत का वेला आख्या जाता है फरमांदे ने मैं अपने हुजरे के अंदर हाँ चार बीबियां मेरे कमरे च आ गई सुनियो बोलना बड़ी मेहरबानी मेरे को नहीं बोलिया जा रहा लेकिन तुम बोलना है एक बार सुबहान अल्लाह आखिए तो 90 नेकियां मिलदियां 90 गुना माफ होते 90 दर्जे बुलंद होते जोर मेरा लगना है पसीना मेरा निकलना है कम अज कम खाली हाथ ना जाओ नेकियां दिया बोरियां भर के लै जाओ सरकार दे जिक्र दी महफिल विच हो गए फरमांदियां ने अचानक चार बीबियां मेरे कमरे च आ गईयां नमूदार होईयां मैं वेख के हैरान होई कि पहले इन्हां नूं कदी वेखिया नहीं हजरत सैयद आमना ने फरमाया बीबी ओ कित
ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਤਾਰੁਫ ਕੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਆਮਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨੀ ਆਮਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਏ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸੀਆ ਏ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਜਰਾ ਏ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਈਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਏ ਨੀ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ ਚਾਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਆਮਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬੀਬੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮਨਾ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਦਿਆ ਏ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਤਾਕੀਕ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ 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 ਨਾਰਾ ਗੌਸੀਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਸੈਯਦ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੈਯਦਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸੈਯਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਯਦਾ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਾਜਾ ਮਿੰਨੀ ਨੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੂਰਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੂਰ ਫਿਰ ਚਮਕਿਆ ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਤਨੀ ਫੈਲੀ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੂਰ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੂਰ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹਾਏ 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 ਨੂਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਮਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮਾਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਜਾਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਬਲੇ ਨੂਰ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ
पहाड़ चांदी बोलता मेरी सुती कौम अल्लाह जाग जाए मैं पहाड़ पहाड़ सुन वो इहदे विच हीरे ते जवाहरात निकलदे आंदा नहीं नूर है मैं क्यों आंदा सरकार बह के ते उठ 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 अल्लाह सरकार बह के ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੂਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਕਚਾਰੀਆ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਗੋਸੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਦਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਜਬਲੇ ਨੂਰੇ ਕੋਈ ਵਹਾਬੀ ਹੋਵੇ ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਕਾਰ ਤਵੱਜ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਆਂਦਾ ਜਬਲੇ ਨੂਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂਰੇ ਉਹ ਸੁਨੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਰ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂਰੇ ਜਬਲੇ ਨੂਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕਿਉਂ ਨੂਰੇ ਆਂਦਾ ਨਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂਰੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਕਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਮ ਵੀ ਨੂਰੇ चार सहाबा जिन्हां नूं खुलाफाए राशिदीन आख्या जांदा है जिन्हां नूं हक चार यार आख्या जांदा है की आख्या जांदा है उच्ची बोलो हक चार यार आख्या जांदा है जेड़े सिपाही सहाबा ने जेड़े सहाबा दी अजमत दे बड़े ठेकेदार ने ओ आंदे ने जुन्नू रैन दो नूरां वाला जुन्नू रैन दो नूरा वाला मैं ना मौलवी क्यों आंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया यके बाद दो बेटियां इन्ना दे घर विच आईयां हजूर दी दो बेटियां दी निस्बत दी वजह तो ए दो नूरा वाला जुन्नू रैन मखा मर जाए जेड़ा गुलाम है ओनू जुन्नू रैन आना है ते जेड़ा आका है ओदे नूर दा इनकार करना है अल्लाह अकबर तवज्जो है जी ये सारा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत दा फैज है जे पहाड़ दी निस्बत हो जाए पहाड़ नूर हुण बोल मेरे नाल बड़ी मेहरबानी पहाड़ दी निस्बत हो जाए पहाड़ नूर आल दी निस्बत हो जाए आल नूर असहाब दी निस्बत हो जाए असहाब नूर अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जिस बाप दी निस्बत हो जाए बाप नूर जिस मां दी निस्बत हो जाए मेरे आला हजरत ने कलम चुके हैं आप फरमाते ने तेरी नस्ले पाक में है बच
जब नूर का तेरी नस्ले पाक में है जब नूर का तू है ने नूर तेरा सब कराना नूर का तू है ने नूर तेरा सब कराना नूर का अल्लाह परमात्मा ने मेरे बेटे का नूर चमकया हर तरफ रोशनी फैल गई हर तरफ उच्च बोलना हर तरफ रोशनी फैल गई उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबे दा तवाफ कर रहे सन खाने काबे दा बोलो तवाफ कौन करता है तवाफ कौन करता है तो जेड़ा बेईमान होवे मुसलमान ना होवे जिन्ने कलमा ना पढ़िया होवे अल्लाह फरमांदा है कुरान है इन्नमल मुशरिकून नजस मस्जिद के करीब नहीं जा सकता मुशरिक अल्लाह के घर के करीब नहीं जा सकता मुशरिक खाने काबे के करीब नहीं जा सकता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे दा खाने काबे दा तवाफ करना इस बात की दलील है मेरी सरकार दा दादा पुत्तां दी पूजा करने वाला नहीं सी एक अल्लाह दी पूजा करने वाला है खाने काबे दा तवाफ कर रहे कनीज गई पैगाम भेजा हजूर घर आओ अल्लाह ने बेटा था कि बस आई दो बातें मैं सुना के इजाजत चाहना बेटा था कि हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने जल्दी जल्दी घर आए घर आए फरमाया आमना जी बाबा तेरा की हाल है तेरा की हाल है बाबा मैं ठीक हूं ते जेड़ा बच्चा है हजरत सैयद आमना फरमाते ने गोली दला का मवनूद अजी मेरे बाबा जी किस बच्चे की विलादत हुई है जेड़ा बेटा आया है जेड़ा मेरा बेटा बन के आया है तुहाडा पोतरा बन के आया है सारी कायनात सरदार बन के आया है आम बच्चियां दी तरह नहीं अजीब शाना लेके आया आम बच्चियां दी तरह नहीं अजीब शाना लेके आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अच्छा मैनू भी दसो की वाकयात रोनमा हुए ने विलादत दे टाइम हजूर मैं उस वक्त थले थले वेखदी पई सी आए आप फरमाते ने जदों सैयद आमना दा नूर चमकया मैं वेखदी पई सां सच्चे खब्बे अगे पिछे जिथे जिथे मेरी नजर जांदी है हर शै मैनू इत्थे नजर आंदी है सरकार दा नूर ही ना चमके हर पासे रोशनी फैल गई नूर असली चमकया गायब अंधेरा हो गया नूर असली चमकया गायब अंधेरा कमली वाला आ
सवेरा हो गया कमली वाला आ गया हर थान सवेरा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह फरमाया शिफा ये तो तू वेखे फातिमा तू की वेखे है। हजरत सैयदा फातिमा फरमाती ने बाबा सुनो जदों सैयदा आमना दा नूर चमके मैं आसमान वल पवेनी आ आसमान दे सितारे थल्ले थल्ले लगे आउंदे ने जदों थल्ले आए और थल्ले आए और मेरे करीब आए मैं डर गई मेरे दिल विच खौफ दा हक होया इस आसमान तू सितारे डिग गिर के टुट टुट के मेरे ते गिर जाणगे मैं डर गई जदों आमना दा नूर चमके आए ए सितारे वापस चले गए मैं समझ गई ए सितारे मेरे ते टिकण वास्ते नहीं आए मोहम्मद दे नूर तो नूर दी खैरात लैण वास्ते आए। मेरे तो डिगन नहीं आए ये ते मोहम्मद नूर तो नूर दी खैरात लैन वास्ते आए। दादे ने शाना सुनिया फरमाया हुन देर ना करो मेरा पोतरा मैनू जल्दी जल्दी वखाओ मेरा पोतरा मैनू जल्दी जल्दी वखाओ। सैयद आमना ने फरमाया शिफा जी बीबी फरमाया पोतरे नू उठा दादे दी गोद च रख मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादे दी गोद च आए तवज्जो है दादे दी गोद च आए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली पहली बारी अपने पोतरे ने देखया किंज देखया चेहरे ते निकाब सी दादे ने निकाब उठाया मेरी सरकार दा हुस्न और जमाल देखया कितने सोहने हो कितने हसीन हो कितने जमील होने गए कितने खूबसूरत होने गए ये मंजर लफ्जों च बयान करना बड़ा मुश्किल है। इस मंजर नूं बयान करन वास्ते पीर मेहरे अली शाह साहब दा सहारा लेना इंतहाई जरूरी उचिया को सुभान अल्लाह। जदों दादे ने पोतर नूं वेख्या होएगा बकौल बाबा मेहरे अली शाह साहब फरमाया होएगा मुख चल बदर शानी बस एक शेर पढ़ना तो मैं इजाजत ले लेनी लेकिन तुसी मेरे नाल मिलके पढ़ना है कोई वडेरा है बाबा है ना पढ़े कोई गल नहीं ते जेड़ा कोई बीमार है अल्लाह नु सेहत अता करे ते जिदे वास्ते साह खणना ही बड़ा मुश्किल है उन्हों साह चढ़ जांदा साह औखा हो जांदा खंघ लग पैंदी ओदी भी मजबूरी ना पड़े ते जेड़ा गुंगा ओदी मेडिकल मजबूरी हो ना पड़े जेड़ा घर वाले नाल वादा करके आए फिकर ना कर चलना ते है मैं बोलांगा नहीं ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤਰੇਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੜਨਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 1 ਵਜੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੋ ਸਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਜ ਪੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਖ ਚੱਲ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨੀਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੁਖ ਚੱਲ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨੀਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੋਦਾਨੀਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੋਦਾਨੀਏ ਜੀ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੋਰਾਨੀਏ ਮੱਥੇ
ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨਾਨੀ ਥੱਕ ਗਏ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਏ ਜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੜੋ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨਾਨੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨਾਨੀ काली जुल्फ ते आखे मस्तानी है जी काली जुल्फ ते आखे मस्तानी है काली जुल्फ ते आखे मस्तानी है तेरे बाबे मेरे अली शाह साहब दा कलाम ही नहीं इन्ना कुलंकर इन्ना जुल्फा दा जिक्र रब्बे कायनात ने फरमाया फरमाया वल्लही जदों चेहरे दीवारी आई फरमाया बद्दुहा जदों जुल्फां दा ज़िक्र आया फरमाया वल्लैली इदा सजा जदों अखां दीवारी आई फरमाया माज़ा गल बसारो बमा तगा मथे चमकदी लाट नूरानी है काली जुल्फ ते आके मस्तानी है मिलके पढ़ो काली जुल्फ ते आके मस्तानी है मखबूरे अकील मद परिया जी मखबूरे अकील पद परिया मखबूर अखिल पद परिया मखबूर अखिल पद परिया जी इस सूरत नू मैं जाना खां इस सूरत नू मैं जाना खां जाना खां के जान जाना खां सच आखां ते रब दी शाना खां हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों पोतरे नूं वेख्या अल्लाह दा शुक्र अदा कीता पोतरे नूं चुक्किया कलेजे नाल लाया अर्ज़ कर दिंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आतानी अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनूं मुहम्मद अता कीता अल्लाह दा शुक्र कौन अदा करदा है जरा मुसलमान होवे मोमिन होवे अल्लाह दा अल्लाह दी नेमत दे मिलां ते अल्लाह दा शुक्र अदा करदा है की अर्ज कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आतानी अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनूं मुहम्मद अता कीता है अगों पता की आंदे ने बादशाह दा फिल बहादे अलल गिलमानी मौला जड़ा तू पुत्र अता कीता है ये मैनूं आम बच्चा नहीं पंगूड़े विच लेटण वाले सारे बच्चों का सरदार नजर आता है मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह फरमा फरमा के हजे चुप भी ना हुए होंगे मेरा अकीदा है सिदरत जिब्रील बोले होंगे ते फरमाया होएगा अब्दुल मुत्तलिब जी तू अपनियां अखां नाल वेखिया है तानू सारे बच्चों का सरदार नजर आता है जे कदी जिब्रील दी नजर नाल वेखो जे मैनू पुछो ए सारे बच्चों का नहीं सारे नबियों का सरदार नजर आता है वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे हसीनों में
हसी से के महबूबे खुदा थे। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाजरी कबूल फरमाए और इंतजामिया के कारोबार के अंदर अल्लाह ताला बरकत आ फरमाए। इन्होंने इंतजाम इंशराम अल्लाह करीम कबूल फरमाए और मेरे मसलक से उलमा जिन्होंने स्टेज पर बैठ के इस गुनाहगार को अपने कदमों में बैठ के लबकुशाई का मौका अता किया। अल्लाह मेरे मसलक के उलमा और सुनाखाना और नकीबे माफल साहब अल्लाह इन्हें कारोबार अंदर रिजक अंदर उम्र के अंदर इलम के अंदर अमल के अंदर हिलम के अंदर अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। और उस तो बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद लसानी वाले का मशहूर हाँ जिन्होंने फुल मेरे नाल तावड़ कीता मेरा साथ दिता। अल्लाह करीम इन्हां दे कारोबार दे अंदर मजीद अरूज अता फरमाए। जितने हजरात तशरीफ लै गए हो कदम कदम दे बदले करोड़ हाथ नाल सरफराज फरमाए। वमा अलैया इल्ला अल बलाग। अस्सलाम अलैकुम।